Hi everyone, welcome back to my channel. So, आप तो जानते ही हो मुझे, मैं हूँ प्रियंका, आपकी बहुत ज़्यादा favorite and आज जो makeup मैं सिखाने वाली हूँ ना, सबसे best makeup है Valentine Day के लिए. आपको ये makeup ना कहीं पे नहीं मिलने वाली, तो ये Valentine Day के लिए best makeup है और ये makeup आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, सबसे best makeup मैं आज आपको करके दिखाऊंगी, okay? तो ज़्यादा बातें ना करती हूँ मैं, थोड़ा सा बात बोल दूँ आपको कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे और भी बॉयफ्रेंड्स चाहिए. तो इसीलिए मैं आज जो मेकअप टेक्निक से मुझे बॉयफ्रेंड मिली है वही मेकअप टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी ताकि आपके पास भी थोड़ा बहुत बॉयफ्रेंड्स आ जाए. तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपके गाल पे बहुत ज़्यादा हेयर की प्रॉब्लम है ना, उसको पहले हटाइए. उसके लिए आप अपने पापा की जो रेजर होती है उसको आप यूज़ कर सकते हो, उससे आप खींच खींच के अपना हेयर हटा सकते हो. मेरे गाल पे उतना ज़्यादा हेयर नहीं है, आप देख सकते हो मैं बहुत क्लीन हूँ, तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको है तो आप कर सकते हो. तो उसके बाद आपको लेना है एक वाइट सा फाउंडेशन, क्योंकि हमें गोरी बनना है ना, इसलिए हमें चाहिए वाइट सा फाउंडेशन. यहाँ पे मैं सबसे वाइट फाउंडेशन, इसमें विटामिन ई भी है, आपके स्किन को एकदम भी ख़राब नहीं करेंगी. सो यहाँ पे मैं यही वाला फाउंडेशन लूँगी एंड देखो कितना अच्छा कलर है इसकी, मेरी फेस से एकदम भी मैच नहीं करती है और हमें यही चाहिए कि ताकि फेस पर आपके मैच ना करें. तो मैं यही फाउंडेशन आज लगाऊँगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमक जाएंगी बिल्कुल चांद की तरह. तो चलो करते हैं. तो यहाँ पे देखो मैं डॉट डॉट करके लगा रही हूँ, ठीक है ना, कलर देख सकते हो आप कितनी गोरी है. तो आपको इतना ही गोरा एक कलर चाहिए, गोरा जो भी कहो आप, तो चाहिए आपको. और आपको करना है ब्लेंड उसको अपने फेस पे, ओके. तो मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने फाउंडेशन लगा ली है, ओके. ऐसे तरीके से आपको फाउंडेशन लगाना है ताकि आप ब्लेंड कर पाओ उसे, ओके. तो मेरे पास ये है, देखो इसको ब्यूटी ब्लेंडर कहते हैं, ये मेरे पास है, बहुत महंगा आती है अगर आपके पास है, लेकिन सबके पास नहीं होती है ये चीज़, लेकिन ये मेरे पास है, ओके. सो यहाँ से यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, देखो ब्लेंड हो गया. रोज का प्रॉब्लम है. तो इसको लेके आपके फेस के ऊपर आपको भिगो भिगो के मारना है, इससे मारना नहीं सॉरी, इसको आपको लेके आपके फेस के ऊपर ऐसे इसी तरीके से आपको मारना है, उसके बाद आपके फेस ब्लेंड हो जाएंगे, ओके. अभी मेरा फाउंडेशन ब्लेंड नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं हाथ से भी कर सकती हूँ, ओके. हाथ से भी ब्लेंड आप भी कर सकते हो. सो अभी मैं हाथ से ब्लेंड करूँगी, देखो घिस घिस के ऐसे करके आप हाथ से ब्लेंड कर लो. देखो थोड़ा बहुत मैंने ब्लेंड कर दी है, अभी मुझे उसके ऊपर थोपना है पाउडर. तो देखो मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड कर ली है, ओके. थोड़ा बहुत ब्लेंड ना हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि फाउंडेशन आपके फेस पे रहना चाहिए. सब कुछ ब्लेंड कर दोगे तो फाउंडेशन लगाने का क्या फायदा है, ओके. सो इसके बाद आपको लेना है पाउडर, ठीक है. पाउडर भी व्हाइट वाला पाउडर लेना, पाउडर नहीं है तो मैदा भी चलेगा, क्योंकि मैदा कॉर्नफ्लावर ये सब बहुत ज़्यादा व्हाइट होती है, तो इससे आपकी बेकिंग बहुत ज़्यादा होगी, अच्छे से होगी. तो गाइस इसको बोलती है बेकिंग. तो बेकिंग के बाद आपको कुछ देर तक रोकना है, तब तक आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्या गिफ्ट लोगे वो सोच सकते हो. उसके बाद मैं ऐसी एक ब्रश ले रही हूँ, ये पैक की बहुत अच्छी वाला ब्रश है, पैक है इसका नेम, और इसे ही में बहुत बढ़िया ब्रांड है, ओके. बहुत बड़ा ब्रांड की ब्रश है, अगर आपके पास नहीं है चीप क्वालिटी की भी यूज़ कर सकते हो, मैं तो ये बढ़िया वाला यूज़ करती हूँ. एंड उसके बाद मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी. तो देखो मैं अपनी फेस को मैंने अपने फेस को क्लीन कर ली है. एंड इसके बाद मुझे लगाना है आईब्रो. आईब्रो के लिए मेरे पास एक हैक से बहुत बढ़िया वाला हैक जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि आपने ये सब पहले कभी नहीं देखी है. तो यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ काजल, आप देख सकते हो ये काजल से आईब्रो करूँगी मैं अभी, देखो कितना अच्छा होता है. तो आपको यहाँ से ऐसे लाइन खींचना है जोर करके, उसके बाद आपके जो जहाँ पर भी ऐसा आईब्रो है उससे थोड़ा बाहर ऐसे खींचना है, उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा आपको इस तरीके से लाइन खींचना है, ओके. और उसके बाद आप इसको फिल कर सकते हो. तो मैंने एक साइड की दिखाई है,
दूसरे साइड का तो आप खुद से कर लोगे, मैं दूसरे साइड करके वापस आती हूँ। ओके सो गाइस, मैंने दोनों आईब्रो कर ली, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है आईब्रो। अगर आईब्रो आप खुद देख नहीं सकते हो तो आईब्रो बनाने का क्या फायदा, इसलिए आईब्रो मैं ऐसी तरीके से बनाती हूँ। वैलेंटाइन डे पे ब्लैक आईब्रो बनाने का मजा ही कुछ और होता है, ताकि आपके बॉयफ्रेंड बहुत दूर से भी आपको देख पाए, इसलिए मैंने आईब्रो इतना अच्छे से बनाई है। एंड इसके बाद मैं करूँगी, क्या करूँ मैं भूल ही जाती हूँ, क्योंकि मैं इतना मेकअप लेके बैठी हूँ अपने सामने ना, तो मैं भूल जा रही हूँ सब कुछ। तो अभी करना है कॉन्टोरिंग, तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये ब्लैक पेंसिल, तो देखा ना आपने कंटोरिंग के लिए मैंने ब्लैक नहीं यूज़ की है, ब्राउन यूज़ करूँगी, क्योंकि कंटोरिंग के लिए ब्राउन सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे ब्राउन कंटोरिंग करूँगी। एंड उसके लिए आप एक ट्रिक कर सकते हो गाइस, ये इसको ले सकते हो और यहाँ पे ऐसे करके लगा सकते हो, और उसके बाद आप इससे यहाँ से खींच सकते हो, ऐसे देखो कितना अच्छे से लाइन आपका क्रिएट हो जाएगा। देखा ना, ये एक हैक से, अगर आप कंटोरिंग खुद से नहीं कर सकते ना, देन ऐसी टाइप की एक कंघी लीजिए एंड उसमें से आप ऐसे करके लाइन खींच सकते, बहुत अच्छे से लाइन आपके क्रिएट हो जाएंगे। तो देख सकते हो मैंने इस तरीके से लाइन खींची है, एंड इसको ब्लेंड करना है, उसके लिए आप इस तरीके की ब्रांडेड एक्सपेंसिव ब्रश यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास हो तो, वैसे तो मेरे पास है, तो इसलिए मैं इससे ही उसको ब्लेंड करूँगी। एंड ब्लेंड करने का प्रोसेस देखो, इससे आपको पकड़ना है ठीक ऐसे करके, मैं लगती हूँ जैसे कितना पतला हो गई हूँ, कितना फेस मेरा पतला फील कर रहा है अभी, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। फिर मेरी समोसे जैसे नाक को भी मुझे पतला बनाना है, इसलिए इसको भी ब्लेंड कर लेती हूँ। अगर आपकी सब कुछ ब्लेंड नहीं हुई है तो आप उंगली से ट्राई करना, अगर उंगली से भी नहीं ब्लेंड होती है तो आपने टूथब्रश से आप ट्राई कर सकते हो इसको ब्लेंड करना। टूथब्रश से करोगे ना तो परमानेंटली यहाँ पे एक कंटोर हो जाएगी, अगर आप फेस वॉश भी कर लेते हो फिर भी वो कंटोरिंग आपकी रहेगी। ओके ये एक हैक्स है जिसको आपको क्या करना है। तो आई मेकअप के लिए मैं ये पैलेट यूज कर रही हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पैलेट है, सो इसको मैं यूज कर रही हूँ। देखो कितना ज्यादा कलर है ना इसमें, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है गाइस। तो इसमें से मैं सबसे बढ़िया वाला कलर, वैसे मेरी ड्रेस के अकॉर्डिंग कौन सा कलर मैच कर रही है आप खुद ही बताओ, वैसे तो मुझे ये वाला कलर लग रही है, ये वाला शेड मुझे अच्छा लग रही है ड्रेस के अकॉर्डिंग, तो मैं इसी को लगाऊंगी। एंड आपको कोई भी ब्रांडेड एक्सपेंसिव ब्रश लेने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, आपकी उंगली है ना उससे आपको ऐसे लेना है ब्रश और आपको इसी तरीके से लगाना है। देखो कितनी पिगमेंटेड है ना, ओ माय गॉड, आप देखो खुद ही, आपको प्यार हो जाएगा मुझसे, देख सकते हो ना। क्योंकि वैलेंटाइन डे है इसलिए मैंने थोड़ा सा रेड रेड करने की कोशिश की है, देखो कितना प्यारा कलर है, कितने सुंदर लग रही हूँ मैं, ओ माय गॉड, मेरी खुद की नज़र ना लग जाए मुझे। उसके बाद मैं करूँगी आईलाइनर, ऑब्वियसली आईलाइनर के बिना कैसे हम निकल सकते हैं बाहर, तो यहाँ पे लगाऊंगी अब आईलाइनर। सो मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, ब्रांड सुनने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। देखो इसी तरीके से आपको आईलाइनर, अगर आपको आईलाइनर नहीं लगानी आती ना, काजल ले सकते हो, उसके बाद आप इसको रखो यहाँ पे और उसके बाद आप इस पे से ऐसे लाइन खींच सकते हो सकता है ये ट्रिक मेरा काम नहीं किया हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद से ही लाइन बना लो। देखो परफेक्ट विंग लाइन है तो उस दिन आपको कोई नहीं देखेगा, तो आप थोड़ा सा यूनिक बनाओ ताकि आपके ऊपर नजर पड़े किसी का, है ना। उसके बाद लाइनर को मैं डबल लाइन करूंगी, देखो कितना अच्छा लगता है। तो आपको लेना है इसी तरीके की लाइनर एंड इसको आपको लेके इसी तरीके से आपको लाइन करना है, देखो सो सेक्सी सो ब्यूटीफुल, इस साइड भी सेम, वाओ देखो कितना गॉर्जियस लुक है ना, खुद को ये देख के मैं पागल हो रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, सॉरी आपके सामने इतना तारीफ कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लश ले रही हूँ, ये ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सो इसी ब्लश को मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी ताकि पिंकी पिंकी रोज़ रोज़ रेड रेड मेरी गाल लगे, ताकि मेरे बॉयफ्रेंड को इव करने का मन करे। ओ माय गॉड, चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, आपको पता नहीं होगा लेकिन ये अच्छा ट्रिक है, आप अप्लाई कर सकते हो।
अब आप सोच रहे हो मैंने नाक में क्यों लगाया, क्योंकि नाक भी आपके रेड होना चाहिए, नहीं तो वैलेंटाइन डे लगेगा क्या? तो आपके नाक भी रेड होना चाहिए, उससे ही तो अच्छा लगता है। उसके बाद आपकी इस जगह पे भी थोड़ा लगा देना, उससे भी लुक अच्छा होता है। आपको शायद ये सब नहीं पता, कैसे पता होगा, मेकअप थोड़ी ना जानते हो आप लोग। मैं बहुत ज्यादा जानती हूँ। ऐसे तरीके के मेकअप करके निकलोगे ना आप, तो बाय गॉड आपको क्या पता हो, आप खुद ही आगे कमेंट करोगे मुझे। इतना रेड रेड करने के बाद ना मुझे हाइलाइटर लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। छोड़ो, हाइलाइटर छोड़ देते हैं और थोड़ा सा नाक को चमका देते हैं। ओके, उंगली की हेल्प से चमका सकते हो अपने नाक को, क्योंकि मेरी नाक थोड़ा सा ऐसा है ना, तो थोड़ा सा चमका लिया मैंने। लेने की जरूरत नहीं है उतना, नाक इतना अच्छा लग रहा है ना मेरा। हाँ, उसके बाद मैं करूँगी लिपस्टिक अप्लाई। ये सबसे अच्छा स्टेप है, और लिपस्टिक भी आपको थोड़ा सा बड़ा सेक्सी, आपके होंठ सेक्सी दिखना चाहिए, इसलिए बड़ा दिखना चाहिए। ओके, इसी तरीके की आपको अप्लाई करना है। देखो ऐसे लेके आपको थोड़ा सा लाइन कर लो पहले, कैरी भी कर सकते हो लिपस्टिक को अपने बैग में। ओके, क्योंकि लिपस्टिक देखो कितना अच्छा प्यारा रेड लिप्स लग रही है मुझे। मैं इतना रेड लिप्स क्यों किया जानते हो आप? ताकि मेरे बॉयफ्रेंड बहुत दूर से भी मुझे पहचान सके, इसलिए कि मेरा रेड लिप्स होता है ना उस दिन, तो मैं ऐसा लगती हूँ। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है मुझे। फॉल्सी लगाओ क्या? पता नहीं, मुझे लग रहा है कि फॉल्सी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो उस दिन फॉल्सी किसी के हाथ में आ जाए तो। नहीं नहीं नहीं, फॉल्सी आप अप्लाई मत करो उस दिन। वैसे भी आप इतने सुंदर लग रहे हो ना, मुझे बार बार आईने में खुद को देखने की मन हो रही है, इतनी सुंदर हूँ मैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की सबसे बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट मेकअप वीडियो वैलेंटाइन डे के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना गाइस, क्योंकि ऐसी तरीके की वीडियो बहुत ट्यूटोरियल बनाती हूँ मैं आपके लिए सिर्फ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस। लव लव रेड लिप्स वाला किसी आपको, बाय बाय। एक हैक से जिसको आपको क्या करना है, से ही मैं अपना फेस को ब्लेंड करूंगी। बाहर ऐसे खींचना है। नहीं, इसको तो जाने देते हैं।